वेरी इंटेलिजेंट गर्ल्स एक ही क्लास में. एंड लास्ट जेड. जेड में दो स्टेप्स है, एक डायरेक्ट दूसरा स्टेप डिसेंडिंग लूप. डिसेंडिंग लूप थोड़ा सा कर्व में आएगा, डिसेंडिंग लूप स्ट्रेट नहीं आएगा. I would lie loud out. Z successful की हो रहे हैं किसी को कोई भी alphabet में डाउट. अच्छा मैं एक और चीज बता दूँ, कोई भी name, कोई भी name बताओ. Monica. Monica. तो ये basically contrast होता है. हम एक shade light लिखेंगे, जैसे मैं एक बार मोनिका लिखती हूँ. पहला शेड मैंने लाइट लिया, दूसरा हम उसके जस्ट कॉन्ट्रास्ट में डार्क शेड लेंगे, जैसे लाइट ब्लू डार्क ब्लू, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन, येलो ऑरेंज, पिंक रेड, और हम आधा कलर फिल कर. या तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं. आप ऐसे सारे तरीके होते हैं, ये सारे तरीके होते हैं अपने वर्ड्स को एनहांस करने का. और आप लोगों को कोई भी डाउट हो प्लीज उनसे भी पूछ लेना, अभी नहीं बाद में आ रहा हो तो. मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी और फोन नंबर दोनों आपके पेजेस में नीचे लिखा हुआ है, आप लोग प्लीज मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं तो मैं आपको एक वीडियो बना के भेज दूंगी. और किसी में भी डाउट तो आप लोग एक बार अपना नाम लिख के ट्राई कीजिए प्लीज. एक बार नाम वाली शीट दिखाओ सब मैम को. Very good. Ready? Say cheese. अरे मैडम खड़े हो, ये भी हो रहा है. मैं तो कौन मुझे थोड़ा सिंह आका है. हाँ क्या एक से चीज.
जय हिंद। जी जी विद्या सखी हमारा जिला प्रशासन की एक पहल है कि हमारे यहाँ जो जैसलमेर ज़िले की बालिकाओं का स्कूल ड्रॉपआउट रेशियो जो बहुत अधिक है उसको कम करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें ऐसे स्कूल जिसमें सिर्फ बालिकाएं पढ़ रही हैं, कोएड हैं जहाँ बालिकाएं अच्छी संख्या में पढ़ रही हैं, वो स्कूल से ड्रॉपआउट रेट कम हो जाए उसके लिए हमने वहीं की रहने वाली, उन स्कूल्स के आसपास ही रहने वाली ऐसी महिलाएं जो थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी हैं उनको विद्या सखी के रूप में उनका चयन किया है, जो स्कूल में उस दौरान पूरे स्कूल की ड्यूरेशन वहां रहेंगी, जिससे बालिकाएं कंफर्टेबल फील करें, सेफ़ फील करें, उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो उनका मौके पर समाधान हो, और कोई ऐसी प्रॉब्लम्स निकल के आएँ जो उनसे हल ना हो पाएँ तो वो जिला प्रशासन के बारे में बताएँ, क्योंकि हमारे ज़िले में जो फील्ड से फीडबैक है, जो पेरेंट्स से फीडबैक है, वो ये है कि महिला टीचर्स की कमी की वजह से काफ़ी पेरेंट्स अपनी बच्चियों को आगे पढ़ाते नहीं हैं। तो ये मूल जो बात है इसको काउंटर करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। उसी संदर्भ में आज हमने करीब 50 विद्या सखियों का प्रशिक्षण किया, उनका पूरा दिन की ट्रेनिंग रही जिसमें हमने उनको रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर बात करी, गुड टच बैड टच पर बात करी, उन्हें बताया कि कैसे वो पेरेंट्स को मोटिवेट करें कि वो अपने बच्चों को, खास करके बालिकाओं को पढ़ाएं, उनकी पढ़ाई ना छुड़वाएं। तो हमें यही उम्मीद है कि जब वो अब ग्राउंड पर जाएंगी काम करेंगी तो हमारी यही उम्मीद है कि हमारे स्कूल में जो हमारे ज़िले में जो बालिकाओं का स्कूल ड्रॉपआउट रेशियो बहुत अधिक है उसको हम कम कर पाएँ। जी जो हमारा ज़िले का जैसान शक्ति लेडीज़ फर्स्ट अभियान चल रहा है इसमें महिलाओं के लिए बालिकाओं के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मार्च 8 जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसके उस दिवस के पहले हम खूब सारी एक्टिविटीज़ और अभियान ऐसे चलाएं जो महिलाओं को प्राथमिकता दे। तो उसी पूरे कार्यक्रम में हमने आज एक छोटा सा 3 दिवसीय इवेंट रखा था जिसमें हमने वो स्कूल्स और कॉलेजेस जहाँ बालिकाएँ पढ़ती हैं वहाँ पर एक कैलीग्राफिक आर्टिस्ट को बुलाया जो कि बाल पुरस्कार अवार्डी भी हैं, प्रेसिडेंट से भी उन्हें अवार्ड मिला है। उन्होंने हमारे जैसलमेर की बालिकाओं को कैलीग्राफी सिखाया जो आपके सामने है, उन्होंने मेरे लिए भी ये बनाया था। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ की बालिकाएं भी जो बड़े शहरों की बालिकाएं हैं उनके जैसे क्रिएटिव टैलेंट्स डेवलप करें, हॉबीज़ डेवलप करें, तो उसी के संदर्भ में हमने कैलीग्राफी यहाँ इंट्रोड्यूस करने की पहल करी। थैंक यू।